तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल आप लोगों के? होप आप लोग बढ़िया होंगे। मेरे साथ सोनू भाई हैं। भाई सोनू भाई और हम जा रहे हैं, अभी नैना देवी जा रहे हैं, तो रास्ते में रुके थे भाई, और आज हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं। नहीं ला पाए अपनी बाइक भाई, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो अभी हम रास्ते में रुके हुए भाई इंजॉय करने के लिए, ढाबे डूबे पे खाने के लिए, और ये सोनू भाई हमारे साथ। हेलो गाइस, कैसे हो? अभी हम अनंतपुर साहब बस स्टैंड पहुंच चुके थे भाई। ये देखो मेरे पीछे अनंतपुर साहब बस स्टैंड है भाई, सामने देख सकते हो भाई। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से, बस वगैरह पकड़ेंगे और नैना देवी जाएंगे सीधा यहाँ से। हाँ, तो हम अभी यहाँ से नैना देवी जाने हैं। मेरा हमारा अनंतपुर साहब बस स्टैंड है जो भाई, यहाँ से बसें मिलेंगी, ये सारी बसें वगैरह खड़ी हुई हैं यहाँ से, ये देखो भाई। और ये हमारा बस स्टैंड है अनंतपुर साहब का, तो यहाँ से बस वगैरह मिलेगी। और यहाँ से 12-13 किलोमीटर और है, इधर की साइड को मंदिर हैगा भाई। तो हम यहाँ से बस वस लेते हैं, पकड़ते हैं, चलते हैं। और दोपहर के भाई 2 बज गए भाई, और कुछ नहीं खाया पिया अभी तक का हमने बस। अब खाएंगे चल के आगे, वहाँ पे दर्शन दुर्शन करेंगे, उसके बाद ही खाएंगे भाई। अब तो मत्था मुत्था टेकने के बाद ही खाएंगे। अब जयकारा माँ शेरा रानी का बोल सच्चे दरबार भी है, पहुँचने वाले हैं जहाँ पे हैं, उसके बाद करेंगे यहाँ से यात्रा उतरा शुरू करेंगे। तो यात्रा उतरा जाते हैं आपको चल के भाई। तो ये भाई नहर है देखो यहाँ की भाई, दिख रही होगी आपको नहर भाई, बहुत ज्यादा सही लग रहा है यार, पानी बड़ा नीला नीला सा है यहाँ पे। एक और छोटी सी नहर आएगी देखो, ये देखो चेक करो भाई। और अभी हम बिल्कुल लगा हुआ दिख गया, और ये सामने नाका सा हल्का सा लगा हुआ था सामने पेट्रोल पंप है मेरे, देखो भाई। और अभी हम जा रहे हैं, वो देखो मंदिर है माता रानी जी का, चलते हैं भाई। बीच में देखो पिंड भी है, पिंड भी पड़ता सामने, देखो पिंड भी है और अपना वो भी है, क्या नाम, जंगल एरिया भी है। खाने पीने की फुल व्यवस्था भाई आपको मिलेगी, खाने पीने की कमी कोई नहीं पड़ेगी यहाँ पे आपको। देखो खेलने खेलने के बच्चे खेलते हैं वॉलीबॉल, वॉलीबॉल भाई स्नूर है पंजाबियों को भाई, इन्होंने अपना रहने का प्रॉपर सिस्टम सब कुछ देखो बना रखा हुआ भाई। भोलेनाथ के चेले भाई, अब पंजाब यहाँ से खत्म होने वाला है, सारा हिमाचल अपना शुरू हो जाएगा यहाँ से। चेक करो सामने जो ग्रीन सा बोर्ड दिख रहा है ना, ग्रीन कलर का बोर्ड, यहाँ से अपना सारा हिमाचल शुरू होने वाला है, पंजाब खत्म हो रहा है यहाँ से। और ये पंजाब का बॉर्डर है, बॉर्डर एरिया है, यहाँ से सारा पंजाब अब खत्म हो गया अपना, हिमाचल से हिमाचल में आ चुके हैं, हिमाचल पड़ चुके हैं पंजाब की समाप्ति। ये यहाँ के लोकल्स के ढाबे हैं भाई हिमाचल प्रदेश के भाई, अगर आप आओ तो रुकते खाना खुना, अगर आपको भूख वगैरह लगे तो आप रुकते यहाँ पे खा सकते हैं भाई खाना वगैरह। और अभी बस रुकी है यहाँ पे, लोग वगैरह उतर रहे हैं देखो नीचे, वो रास्ते हैं किधर को जाता है कि सीधे जा रहा है, हमने सीधे वाला रास्ता जाना भाई। ये देखो यहाँ साइड वाला आपने रास्ता जाना है, जो टी पॉइंट टाइप सा कट है ना, तो एक सीधे को रोड जा रहा है, एक राइट साइड को मुड़ रहा है, तो आपने राइट साइड को मुड़ना है आगे। ये सामने बैठने की जगह भी आएगी, ये बस स्टैंड है यहाँ पे माता रानी नैना देवी, नैना देवी वाला बस स्टैंड है यहाँ पे, माता रानी नैना देवी का जो बस स्टैंड पड़ता है उससे पहले बस स्टैंड है, तो यही रोड जाता है अपना नैना देवी को। आपको सीधे नहीं जाना भाई, अगर आप लोग आ भी तो भाई मैप वगैरह देख के आओ, ढाबे वगैरह भी है यहाँ पे, खाने पीने की पूरी व्यवस्था है। तो कई बार क्या होता है कि कुछ अलग अलग रास्ते कटे हुए तो बंदा भाई भटक भी जाता है यहाँ से, तो भटकना नहीं है भाई, इस चीज का ध्यान रखना आपने प्रॉपर। और ये कौन जा देखो सामने, कौन दिख रहा होगा आपको, चंडीगढ़ वाले। तो गाइस तो भाई अब चढ़ाई वाला रास्ता शुरू हो चुका है, और ये पहाड़ी इलाका है भाई सारा, क्यों पंजाब हमारा खत्म हो चुका है, पंजाब का बोल रहा हूँ, हिमाचल में हिमाचल एंटर हो चुके हैं भाई, ये सारा अपना हिमाचल है भाई, लोग देख सकते हो भाई सामने, और व्यू बहुत ज्यादा प्यारा हो रखा हुआ भाई, बहुत ज्यादा सही है। देखो धर्मशाला वगैरह है ये यहाँ पे, लंगर लंगर की व्यवस्था होती है, और भाई लोग सारा ये जंगल एरिया है भाई। देखो 10 किलोमीटर और है,
हमारे ट्रैक की यात्रा की शुरुआत होती है नैना देवी टेम्पल जी की। तो हम जा रहे हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ पे भी ये देखो दुकान। तो भाई सीधे सीधे चल रहे हैं। देखो भाई अभी हम नैना देवी पहुंच चुके हैं भाई। माता रानी जी के दर्शन करने जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ से सीधे सीधे कम से कम 100-150 सीढ़ियाँ भाई, 100-150 सीढ़ियाँ चढ़ के हमने टॉप पे जाना है। वहाँ से दर्शन करने हैं जाके। बिल्कुल हाँ, वहीं पे जाके दर्शन करते जा रहे हैं। आंसू यहाँ फोटो कैसे। तो देख सकते हो भाई अभी हम चल रहे हैं सामने को। ये हमारे बिल्कुल सामने मेरे पीछे रास्ता यहाँ से शुरू होता है और यहीं से हमने स्टार्टअप करा है भाई। नैना देवी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए माता रानी जी के। चलते हैं यहाँ से भाई, दिखाते लगे आपको सारा व्यू। बैक साइड का व्यू दिखाते हैं आपको। तो भाई ये रहा सामने का व्यू वगैरह, देखो और चेक करो भाई। ये रहा हमारा ट्रैक है जो जा रहे हैं हम। चलते हो भाई, ज़्यादा मुश्किल ट्रैक नहीं है, नॉर्मल सा ट्रैक है भाई। आप जा सकते हो आराम से, आ सकते हो मतलब आ भी सकते हो, जा भी सकते हो दर्शन करने के लिए। तो अभी हमने यात्रा यहाँ से शुरू करी है। चलते हैं देखते हैं कितना हाईएस्ट ट्रैक है, हाई ट्रैक है मतलब यहाँ से। जय माता दी भाई सबको। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो माता रानी जी की जय, जयकारा माता रानी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। तो हम चलते हुए जा रहे हैं ट्रैक, देखो कर रहे हैं भाई प्रॉपरली। हाँ वैष्णो देवी से तो कम चढ़ाई है, पर ये थोड़ा से पौड़िया टाइप से चढ़ाई है, देख सकते हो आप सामने सब। अब पौड़िया शुरू होने वाली है सारी और अब हल्की फुल्की से थकान सी लग रही है हमें, बट कोई बात नहीं, माता रानी के दरबार पे जा रहे, कोई थकान नहीं लग रही। रानी जी का नाम लेके हम पहुँच ही जाएंगे भाई। जय माता दी, जय माता दी। तो सोनू भाई जा रहे हैं, देखो अब सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं सारी यहाँ से चढ़ने के लिए सीढ़ी। तो देखो भाई अभी चल रहे हैं भाई, ब्लैक से भी हो रहा हुआ थोड़ा सा। सोनू भाई हमारे आगे आगे जा रहे हैं। प्रसाद वगैरह आपने लेने तो यहाँ से ले सकते हो, फोटो वगैरह फोटो वगैरह आपने लेने तो ले सकते हो प्रसाद वगैरह। चढ़ते चलो, माता जी नाम जपते चलो भाई। लोअर पाक आते हैं, लोअर पाक अंश था, जेंट्स में थोड़ा सा ओखा हो रहा है, ओखा टाइट भी लगती है। सोनू भाई कह रहे कि लोअर पाक अंश था मैं यहाँ पे, जेंट्स में थोड़ा सा ओखा हो रहा है मैं यहाँ पे चलने में, बाकी प्रसाद वगैरह ले सकते हो आप यहाँ से। ये सब प्रसाद प्रसूद की दुकान है, नीचे भी मिल जाएगा आपको, ऊपर लेना ऊपर आम पापड़ वगैरह, नीचे भी प्रसाद मिल जाएगा और ऊपर भी ले सकते हो, अगर आपको ऊपर लेना तो ऊपर भी ले सकते हो, बाकी आपकी इच्छा है। तो भाई थकान बहुत ज़्यादा हो चुकी है अभी, अभी और भी ऊपर जाना हमने, बट चले गए माता रानी जी ने बुलाया तो जाएंगे। तो यहाँ वहाँ से जब नीचे से आओगे यहाँ से तो ऊपर को जाना है। यहाँ पे देखो पानी की बोतल ले रहे हैं, ये ऊपर जाना है। पानी की बोतल कितने के अंकल, पानी की बोतल जी। सोनू भाई आ जाओ, आप तो पीछे रह गए बहुत यार, अब सीधा वहीं पे चल के आराम से मत्था मत्था टेकने के बाद रेस्ट करेंगे। यहाँ पे पानी पुनी का बना रखा हुआ है। जयकारा माता रानी दा, बोल सच्चे दरबार की जय। तो भाई चलते हैं, अब थोड़ी सी और एनर्जी आ गई भाई जयकारा लगाने के बाद तो यार। और सोनू भाई अब थोड़ा सा भाग भाग के चल के दिखाएंगे भाई। ये जा रहे सोनू भाई हमारे, तो भाई ऐसा कुछ है ट्रैक वगैरह है जो चलने वाला नैना देवी का। पानी पुनी भी पी सकते हो आप, पानी की व्यवस्था बना रखी है भाई हर एक जगह पे। तो आप यहाँ पे खरीद के पानी मत पियो, बहुत महंगा भाई, 30 रुपये 40 रुपये बोतल है पानी की।
हर एक जगह पे पानी की भाई यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है, आप वहाँ का पानी पूनी पी सकते हो। तो भाई जितना ऊपर जा रहा है ना उतना डिफिकल्ट रास्ता होता जा रहा है। सामने की सीनरी देख सकते हो आप, ये चेक करो सीनरी है सामने की, ऊँचे ऊँचे पहाड़ माता रानी जी के। हनुमान जी बैठे हो जी हमारे जी वानर जी, और भाई कैमरा भी लगा रखा है, कैमरा लगा रखा है यहाँ पे। देखो भाई ब्लॉगिंग करें मना यहाँ पे करना, फिर भी हम कर रहे हैं भाई। और आप प्रसाद वगैरह ले सकते हो भाई हर एक जगह पे, नीचे भी मिल जाएगा प्रसाद और हाँ ऊपर भी प्रसाद वगैरह मिल जाएगा। अभी नहीं पहुँचे भाई, अभी ऊपर हैगा, ये तो टावर है भाई यहाँ पे लगा रखा है उन्होंने। तो यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह खरीद सकते हो, सीनरी चेक कर सकते हो भाई। सामने की सीनरी देखो भाई, घर कैसे बना रखे हो, और सामने रोड है आप देखो भाई। अब हल्का फुल्का ना पैर भाई, जब धूप से निकल रहे थे ना पैर थोड़ा सा गर्म हो रहे थे और जल रहे थे भाई, ये धूप हल्की सी। तो देखो भाई चलते हैं, ऐसा सही ट्रैक है भाई, ऐसा ही रास्ता है प्रॉपरली सारा जो मंदिर तक काम लेके जाएगा नीचे से। हालांकि घूम फिर के बना हुआ थोड़ा सा रास्ता ये, तो चलते हैं आपको माता जी के दर्शन करवाते हैं, लेके दिखाते हैं, लेके आपको माता जी के दर्शन कराते हैं। सीढ़ियाँ भाई सिंगल सीढ़ियों से चढ़ेंगे हम ऊपर भाई, पहुँचने वाले ही हैं माता जी के दरबार पे हम। एक बार सोनू भाई जी, एक बार और हो जाए जयकारा, हो जाए सोनू भाई जयकारा, माँ शेरा रानी दा बोल सच्चे दरबार की जय। तो ये रहा मंदिर भाई, और हम पहुँच चुके हैं फाइनली, देख लो फाइनली हम मंदिर पहुंच चुके हैं भाई, माता रानी जी दे नैना माता, नैना देवी माता जी के मंदिर हम पहुंच चुके हैं। अभी हम दर्शन करेंगे ये रहा मंदिर, और ये कुछ जगह हैं भाई यहाँ पे जो लोकल्स लोग रहते हैं। जयकारा माता रानी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी हम पहुंच चुके हैं भाई अंदर, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है भाई, मना कर रहे हैं पुलिस वाले सर, तो हम बाहर का ही दिखाएंगे आपको भी। ये रहे हमारे सोनू भाई, और अब हम पहुंच चुके हैं भाई माता जी के दर्शन करने। ये रहा माता जी का दरबार जो है भाई, जहाँ से हम अंदर जाएंगे अभी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं भाई, और अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है भाई लेके जाना, तो अंदर का आपको नहीं दिखा पाऊँगा सीनरी आप यहाँ का। तो भाई एक्चुअली मैं जब यहाँ पे नवरात्रे वगैरह होते हैं तो यहाँ से रास्ता बना रखा हुआ, ये कुछ इस टाइप का घूम फिर के हमें जाना होता है सामने मंदिर में। तो अभी तो नवरात्रे नहीं हैं, तो आप बार बार भी जा सकते हो। तो अभी हाथ उठ धोते हैं भाई, सोनू भाई हमारे हाथ उठ धो रहे हैं, हम भी हाथ उठ मुँह धो के भी चलते। तो जब नवरात्रे वगैरह होते हैं तब यहाँ से जाते हैं लोग, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है उस टाइम। तो ये ग्रिल्स वगैरह बना रखी है, इसके बीच से जाना होता है काफ़ी लंबा। तो अभी नवरात्रे नहीं है, एकदम खाली है, तो हम यहाँ से चल रहे हैं, ये रास्ता है भाई जाने के लिए। कौन जाएंगे चार बजे बजे ऐसा ऐसा तो जाएंगे दौड़ते हुए नीचे, तो आधे घंटे में नीचे अगर कुछ थोड़ा बहुत खाएंगे तो भाई 6:30-6:30 तक नीचे घर पहुँच जाएंगे। आप 8:30 तक पहुँच जाएंगे, जय माता दी, जय माता जी। सच्चे दरबार, ये भाई मंदिर है कुछ देखो, आ दरबार है जी माता रानी जी का। ते ये अपने भोले शंकर जी, चलते हैं आगे को, सोनू भाई से मिलता हूँ। ये माता जी का पूरा दरबार है भाई, ये चित्र वगैरह लगे हुआ है यहाँ पे। अगर आप माता जी के दर्शन करने आओ तो भाई शिव जी के और काली माता जी के भी दर्शन करना भाई, जय काली माता जी। तो विलेज वगैरह देख सकते हो कितने सोने लग रहे हैं भाई ऊपर से। ये भाई नैना देवी मंदिर है, हम नैना देवी मंदिर आ रखे हो अभी, ये देखो नैना देवी मंदिर है। तो सोनू भाई कह रहे हैं भूख लगी है, लंगर वगैरह खाते हैं यहाँ से, लंगर चखते चल के।
और ये हवन कुंड है माता जी का, ये कुंड है माता जी का हवन कुंड है। और ये सामने मंदिर है जी, ये सारा मंदिर है, ये देखो ये मंदिर है सारा। हल्का फुल्का सिनेमैटिक्स दिखाते हैं, देखो भाई ये सिनेमैटिक्स है माता रानी जी के, माता नैना देवी जी है, नैना देवी जी का मंदिर है ये सिनेमैटिक्स कुछ दिखाते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी है सामने।